हेलो गाइस गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स अभी शाम के साढ़े पाँच बज रहे हैं मौसम ठंडा मौसम है कि कभी है, बरसात होता है कभी मतलब धूप होता है तो अच्छा मौसम हो रहा है गर्मी नहीं है उतना ज़्यादा काम करते तभी गर्मी लगता है बाहर में ऐसी गर्मी नहीं है इसका मैं वीडियो का जहाँ सोचती हूँ वीडियो सामने देखने के लिए तैयार हो जाता है मतलब कि सामने पीछे से वीडियो नहीं बनवाता सामने से बनवाता है यहाँ लड़ाई चालू है क्या कि इसको झुला नहीं झुला रहा है इसीलिए मारपीट शुरू है अब भी को भी बोल रहा है इसको बोल रहा दोनों नहीं सुन रहा इसका अपने अकेला ये झूल नहीं सकता इसके बाद मेरा मैं अपना किचन का करके आ गई हूँ शाम के साढ़े छः बजे हैं किचन का खाने बनाने का तैयारी मैंने पूरा कर दिया है उसके बाद मैं बाजार जाने के लिए तैयार हो रही हूँ क्योंकि कल भी मैंने पूरा तैयारी कर लिया था खाना बना के रख दिया था और जाने के लिए सोच ही रही थी कि बरसात आना शुरू हो गया हवा अंदर पानी पूरा आँधी तो हुआ था बारिश भी हुआ था मौसम पूरा खराब हो गया तो कल मैं नहीं जा पाई तो फिर मैं आज भी जाने का सोच रही हूँ अब मौसम का कोई पता नहीं चलता है कि कब मौसम ख़राब हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी सोच रही हूँ कि जाके आ जाऊँ जरूरी है मेरा घर का भी एक दो सामान है जो मुझे ले कर आना है अपने लिए भी ले कर आना है आ, कपड़ा मैंने आधा दोपहर में समेट के रख दिया था आधा भी रखा हुआ है जो मैं आके फिर रात में देखूंगी रात में समेटा जाएगा क्या क्या आती तो कर नहीं सकती बाजार जाओ तो कम से कम एक डेढ़ घंटा तो लग ही जाता है नहीं नहीं करते हुए भी ज़्यादा नहीं तो एक डेढ़ घंटा तो फिर लगेगा ही आप फिर उसके पापा पार खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं क्या कि उनका हो जाता है वो अपना आवाज़ देना शुरू कर देते जल्दी करो जल्दी करो यही होता है ज़्यादातर तो मैं यहाँ दुपट्टा देख रही हूँ पर मुझे दुपट्टा मिला नहीं ए, तो मेरे पास है भी कम ही क्या कि कुर्ती में ज़्यादा पहनती हूँ सूट कम पहनती हूँ इसीलिए हर कुर्ती के साथ का दुपट्टा नहीं है तो फिर मुझे यही ब्लैक या फिर ब्राउन कलर का तो है नहीं मेरे पास वही लेके जाना पड़ेगा वो उस रूम में होगा क्या कि जगह जगह कपड़ा रहता है उसमें भी रहता है यहाँ भी रहता है तो वहाँ होगा तो वहीं से ले मैं अभी मैं बाजार आ चुकी हूँ एक दुकान पहले मैं देख के आ गई हूँ आइए दूसरा दुकान पर आई हूँ तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको भी दिखा देती हूँ कि मैं यही ज़रूरत का सामान ज़्यादा मुझे था दो तीन दिन से मेरा क्लेचर है जो टूटा हुआ है अब बड़ा मैं लगाती नहीं हूँ अब भी मजबूरी में मैंने लगाना पड़ रहा है तो छोटा ही अच्छा लगता है उसके बाद थोड़ा सा दुकान को भी आपका दिखा देती हूँ क्योंकि उसके पापा भी बात कर रहे हैं मेरा हो गया है तो मैंने सोचा आपको दुकान दिखा देती हूँ सावन में तो हरी हरी चूड़ियाँ रहती है तो वही मैं भैया से पूछ रही थी इस बार हरी चूड़ी बहुत कम है आई कि दुकान में मतलब कि उसके पापा का दोस्ती अच्छा इसीलिए है क्या कि यहाँ भैया मेरे यहाँ से सामान लेते थे चूड़ी का तो फिर जान पहचान अच्छा है मैं भी ज़्यादातर यहीं आती हूँ सामान लेने के लिए एक जो दुकान मैं पीछे पहले जा के आई हूँ वहाँ से सामान तो बहुत जगह बहुत लेते थे बहुत जगह हम देते थे पर सामान मैं ज़्यादातर यहीं दो तो दुकान से लेती हूँ इसके बाद वहाँ से सामान मैंने ले लिया है गई हूँ कपड़ा दुकान में कपड़ा दुकान में भी मुझे प्यूस लकी के लिए हाफ पैंट देखना है और तो टी शर्ट तो ऑनलाइन आ जाता है पर हाफ़ पेंट अच्छा नहीं आता है ऑनलाइन का जो मंगवाती हूँ वो पीछे में मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था तो वो अच्छा नहीं आया इसलिए अभी मैं बाजार से ले लेती हूँ अब गर्मी में दोनों का फुल जीन्स मतलब कि नहीं पहनने देते हैं हम लोग पहनने भी नहीं देते हैं दोनों का मन भी नहीं करता ज़्यादा गर्मी में ज़्यादातर हाफ़ पेंट ही रहता है घर में तो वही कम से कम साल में चार चार दिलवाओ तभी चलता है पहले जो दो दो आया दोनों के लिए तो वो फट चुका है तो अभी मैं दूसरा ले रही हूँ लेने के लिए तीन चार दिन से सोच रहे हैं इसीलिए मुझे जल्दी था बाज़ार आने का बोली कि कोई कोई सामान इतना ज़्यादा जरूरी है जो मुझे लेना है तो वही मैं दोनों के लिए दो दो ले लूँगी तो फिर इस इस गर्मी चल जाएगा ठंड में तो हाफ पैंट पहनते नहीं हैं हाफ पजामा फुल पहनते हैं गर्मी के लिए काफ़ी हो जाएगा ऐ, ले भी लिया मैंने यहाँ से दो पैंट घर जाने के बाद मैं आपको दिखा भी दूंगी दोनों के लिए दो दो लिया है अब भैया डाल रहे हैं झोला में वो आपको दिखाई भी दे दिया घर जाने के बाद ऐसे भी दिखा दूंगी मैं क्या कि जाते ही दोनों पहन भी लेगा यहाँ देखिए ये भैया मतलब कि कप लेके घूम रहे है मिट्टी वाला तो मतलब कि भरा हुआ था पूरा मुझे लगा कि लेना चाहिए इसलिए मैंने यहाँ से भी लिया है हालांकि मुझे जरूरत नहीं है मेरे यहाँ शीशा का या फिर कांच का या इसमें मिट्टी वाला बर्तन कम यूज होता है कोई चाय नहीं पीता है इसलिए तो आप देखते भी होंगे मेरे पास रखा हुआ घर में पर यूज बहुत कम होता है कि किसी को पसंद नहीं इसलिए बच्चे तो फिर भी ले लेते हैं उसके बाद मैं आ गई हूँ बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ लेने के लिए कि घर जाऊँगी तो कुछ लेके जाऊँगी खाली या तो जा नहीं सकती क्या कि घर जाती कि मैं क्या क्या तो दोनों पूछेंगे कि मम्मी क्या लेके आई है तो यहाँ मछली का ये लगा हुआ था मेरे यहाँ भी पहले इतना ही बड़ा बड़ा मछली था पर यही है कि लेके आते थे अब मर जाता लेके आते मर जाता इसीलिए अब कम हो गया फिर हम लोग छोटा वाला मछली लेके आते तो वो मरता नहीं इतना जल्दी आइए आ गए हैं फिर बर्तन का दुकान में यहाँ से भी मुझे कुछ ज़रूरी लेना था जो शायद मैंने वीडियो में पहले आपको बताया भी होगा क्या जरूरी है लेने के बाद मैं आपको घर जाने के बाद दिखा भी दूँगी यही मैं आपको दुकान केवल दिखा रही हूँ होता है सबके साथ मेरे ख्याल से होता होगा कि ये बंधा होता है ज़्यादातर हम एक ही दुकान पे जाते हैं मेरा तो दो तीन दुकान ऐसा ही है, है ज़्यादातर मैं यहीं से मैं कढ़ाई जो भी लेती हूँ यहीं से लेके जाती हूँ कढ़ाई भी पहले मैंने लिया था नया लोहा वाला भी यहीं से लिया है एलुमिनियम वाला भी यहीं से लिया है बाजार से जब लेती हूँ तब यहीं से लेती हूँ मैं तो यहीं मम्माएँ हैं देख रहे हैं अपना सामान देखा तो तीन चार सामान है देखो क्या पसंद आता है क्या नहीं पसंद आता है तो तो घर जाने के बाद आपको पता ही चल जाएगा क्या लिया हमने ये भैया का मतलब कि लकड़ी का जो सामान है वो इतना बर्बाद हो रहा था देखिए ये दिखा रहे हैं उन्हें छेदा छेदा हो गया तो इसको कोई तो लेगा नहीं पूरा बर्बाद गया मैं भी उसके पापा को बोल भी रही थी मतलब पैसा तो लगता ही है फिर वापस कौन लेता है कोई नहीं लेता है देने के बाद हम लोग तो अपना लेकिन चेक करके लेते हैं तो फिर ख़राब लेंगे क्यों आ इनका बर्बाद हो जाता है लकड़ी का सामान खासकर आ यहाँ सामान सब अच्छा मिलता है बहुत अच्छा अच्छा सामान मिलता है मतलब कि सब सामान है अभी यहाँ यही ज़्यादा जरूरी था मुझे तो यही मैं देख रही हूँ मुझे लेना है क्योंकि मेरा ख़राब हो रहा है यहाँ से सीधे मुझे घर जाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है आठ बज गए हैं घर आने के बाद मैं बहुत देर हो गया हो गया दस पंद्रह मिनट तो पीयूष उस लक्की ने हाफ पेंट अपना पहन लिया भाई मैं आपको दिखा रही हूँ एक एक दोनों ने पहन भी लिया है लक्की तो अपना पढ़ाई कर रहा है आप ने भी पहन लिया है एक एक अपना रखा हुआ है तो मैंने सामान आपको अभी दिखा दिया क्या कि थोड़ा सा रहता है ना क्या कि पहले मैं वीडियो किसी का देती थी तो उनका था कि नहीं जिस दिन बाजार जाऊँ उस दिन सामान नहीं दिखाती तो मन में रहता था क्या है क्या नहीं दिखे तो वही है मैंने आपको दिखा दिया दोनों के लिए हाफ पेंट है जो मैं आपको दिखा देती हूँ ये लक की अपना दिखा रहा है अब प्यूस अपना दिखा रहा है पतला पेंट है गर्मी गर्मी ठेका चल जाएगा उसके बाद चकला बेलन भी मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने लिया है सो ये देख लीजिए मतलब कि घर का सामान बहुत सारा लिया है पूरा सामान तो मैं आपको दिखा नहीं सकती घर का तो यूज़ का सामान सबको पता रहता रहता ही है ये तो पूजा का है और उसके बाद किचन का भी सामान है जो मैंने अंदर रखवा दिया है जो आ गया है वो मैंने आपको दिखा दिया जो मुझे सामने नहीं दिखाई दिया वो मैंने नहीं दिखाया आपको उसके लिए सॉरी यही चकला पहले मैंने लिया है लकड़ी वाला पिछले बार जो था मेरा पलाई वाला था तो पलाई का जल्दी टूटता लकड़ी वाला चल जाता है फिर उसके बाद पापा बोल रहे थे एक तो लोहा का भी दिखा रहे थे भैया तो लोहा वाला मुझसे नहीं होता मैंने कभी रोटी उसमें बनाई नहीं तो मैं उसे बनता भी नहीं है एक पत्थर का भी था नहीं मुझे लकड़ी वाला ही चाहिए उसके बाद अपने लिए थोड़ा सा सामान लिया वो दिखा दे तो ज़्यादा तो मैंने लिया नहीं है जो ज़रूरत था वही लिया है चूड़ी तो मेरे पास रखा यही कप लिया है कॉफी के लिए ले कर रख लिया है जब जो होगा तो बच्चे ले लेंगे इसके बाद ज़्यादा जरूरी यही सब था को बहुत ऐसा सामान जो मुझे मिला भी नहीं जो ज़रूरी का था अब एक दो सामान ऐसा भी जो मैं आपको दिखा भी नहीं सकती कि क्या लिया है क्योंकि वीडियो केवल सब कोई देखते हैं इसीलिए अपना ज़रूरत का सामान है अकेलेचर मेरा मन लाइक मुझे मिला नहीं है यही दो मिला तो यही ले आई है मुझे छोटा ज़्यादा पसंद आता है जिसमें पूरा बाल आ जाए छोटा रहे रहेगा ज़्यादा पसंद आता है अब भैया एक पास बड़ा बड़ा था तो वो मैंने लिया नहीं है इसके बाद चलते हैं खाना बनाते हैं अपना किचन में लगते हैं काम में कि पढ़ाई कर रहा मैंने आपको दिखाया भी है पर गाना चालू है उसका अब मैं बनाऊँगी अभी रोटी तैयारी करके गई थी मैं सब्ज़ी बना के गई थी आटा लगा के गई थी कल रोटी बनाना बाकी है रोटी बनाने के बाद फिर नाहूंगी इसलिए मैंने कपड़ा भी नहीं निकाला है कि फिर नाहूँगी तभी निकाल दूंगी अभी मैं थोड़ी सी देर बाद भी कर लेती तो सामान जो मैं लेके आई थी वो मैंने आपको दिखा भी दिया है और कुछ सामान ऐसा जो मैं आपको दिखा नहीं मतलब कि दिखा नहीं सकती सॉरी सबसे ज़्यादा जरूरी तो यही था जब मेरा जो चकला था एक साल नहीं हो पलाई वाला था तो उसका हालत एकदम से खस्ता हो गया रोटी उस पर बनता ही नहीं था इसीलिए मुझे सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी इसी का था एक दो सामान और है जो मैं आपको दिखा नहीं पाई क्या कि उसका शायद गाड़ी में रखा हुआ लेकिन ही नहीं आई अभी आई हूँ मैं हो गया मुझे पंद्रह बीस मिनट हुआ आई हुए जरूरी था बाजार जाना एक दो सामान ऐसा जो मुझे मिला भी नहीं था सबसे पहला तो कटर जो ये क्या बोलते क्लेचर सॉरी कटर नहीं क्लेचर वो भी मेरा पसंद का नहीं मिला काम चलाने के लिए मैंने ढो लिया है कि जिस भैया के यहाँ मैं जाती हूँ वहीं से लेती हूँ मैं ज़्यादातर सामान क्या कि पीऊ पापा का थोड़ा दोस्ती अच्छा है दो दुकान से तो वहीं से मैं सामान लेती हूँ वहाँ मिला नहीं तो अभी कभी भी उसके पापा ला देंगे अभी नहीं था उनकी दुकान में, में मेरा मन लाइक नहीं था तो फिर उसके पापा कभी जाएंगे तो फिर ला देंगे फिर उस लकी का बदमाशी चला हुआ पियूष क्या कर बाबू ठीक तो है रोटी बना लेती हूँ क्या कि पौने नौ बज रहा है वैसे तो मेरा इसी समय बनता है रोटी बनाऊंगी फिर नहाने जाऊंगी